हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला सो गाइस टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर वन बायोकेमिस्ट्री से लिया हुआ है और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सी एस आई नेट गेट आई सी एम आर डी बी टी जे आर एफ़ की उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथ ही साथ एम एस सी एंड बी एस सी स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगी आपको और बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे और एकदम स्टार्टिंग से ही मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इसीलिए ये पार्ट वन है और इसके आगे पार्ट टू थ्री ऐसे प्रोसीड होते रहेंगे ठीक है सो लेट्स प्रोसीड सो चैप्टर नंबर वन है और यूनिट नंबर भी वन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड दियर केमिकल बॉन्ड्स सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री क्या है बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल प्रोसेसिस विद इन एंड रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ब्रिंग्स टूगेदर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री किससे बना हुआ है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से ठीक है तो ये क्या है ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि केमिकल प्रोसेसिस से हमारा डील करता है यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी दोनों पढ़ पढ़नी पड़ेगी तब जाके हमारा क्या बना है बायो केमिस्ट्री यह टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल न्यूबर्ग ने ठीक है जिन्हें हम फादर ऑफ़ बायो बोलते हैं और इन्होंने नाइनटीन में ये वर्ड जो है डिस्कवर किया था नेक्स्ट है बायो केमिस्ट कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग द केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ केमिकल साइंस ठीक है तो बायो केमिस्ट क्या करते हैं बायोलॉजी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं बाय नोइंग द केमिकल टेक्नोलॉजी ठीक है केमिकल साइंस इस सब चीज़ों को पढ़ के देखो क्या होता है जनरली अगर हम देखें अपनी बॉडी को तो हमारी बॉडी किससे बनी है केमिकल स्ट्रक्चर ही तो है और क्या है अगर हम ब्लड देख लें या कोई भी चीज़ देख लें प्रोटीन देख लें बॉडी में जो प्रोटीन हमारे पूरी बॉडी बनाता है तो उसके अगर हम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर होंगे बॉन्ड्स होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे राइट जो कि एकदम केमिस्ट्री की तरह जब जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉन्डिंग कैसे होती है और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है रिपेलेंट फोर्स क्या होता है ये सब तो ये सब क्या है हमारे हमें ये इसीलिए जरूरी है ताकि हम अपनी केमिस्ट्री जान सकें हमारी बॉडी में भी क्या है केमिकल्स हैं उनको जान सकें कि हमारी बॉडी के केमिकल्स क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं ठीक है थीके? तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ एन एटम सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा ट्वेल्थ तो सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ट्वेल्थ तक सो एन एटम इज़ अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट यूनिकली डिफाइंड एज अ केमिकल एलिमेंट क्या होता है एक केमिकल एलिमेंट होता है ठीक है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस एटम में क्या प्रेजेंट होता है सेंट्रल न्यूक्लियस जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटर में क्या है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है ठीक है देन सराउंडेड बाई वन और मोर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और इसके चारों तरफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स ठीक है electrons, जो uh, हमारा जो न्यूक्लियस uh, होता है वो उसमें क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस होता है और कंटेन वन और मोर रिलेटिवली हैवी पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटोन होता है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है हमारा वो न्यूट्रल चार्ज होता है ठीक है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो हमारे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड उसके सराउंडेड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं ठीक है थीके? ये एटम कुछ भी हो सकता है एटम फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हो गया क्लोराइड हो गया ठीक है हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया कोई भी एटम ठीक है वट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये एकदम बेसिक है जो हम ऑलरेडी टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ता आए हैं प्रोटॉन्स क्या होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ठीक है एटम्स से भी छोटा पहले बोलते थे जैसे काफ़ी थ्योरी आई ना एटम्स की भी काफ़ी थ्योरी आई तो पहले किसी साइंटिस्ट ने बोला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है फिर वो थ्योरी भी फेल हुई जब प्रोटोन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई क्योंकि ऐटम से भी क्या होते हैं छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के और उस सेंटर यानी एटॉमिक न्यूक्लियस अ प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ एन एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर हम कैसे बताते हैं कि जैसे सोडियम है सोडियम का एटॉमिक नंबर है इलेवन तो 11 हम कैसे बोलेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स होंगे वो क्या होंगे इलेवन होंगे ठीक है तो जिस भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे भी रखा है सोडियम में इलेवन प्रोटॉन होते हैं ठीक है थीके? तो उसका एटॉमिक नंबर इलेवन हो गया ठीक है जो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन का वो कितना होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम ठीक है न्यूट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है कोई चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है न्यूट्रल होता है एकदम ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज और इसका मास कितना होता है इसका मास भी सेम होता है प्रोटॉन की तरह 1.675 पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू सेवन बस फाइव और थ्री का डिफरेंस है उसका सेवन थ्री है और इसका सेवन फाइव है लगभग जो है सेम ही मास होता है दोनों का ठीक है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो आप ये है एटम का स्ट्रक्चर एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं ये एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम तो ये पीरियोडिक टेबल से तो हर कोई वाकिफ होगा ठीक है तो इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो ब्लू कलर से डार्क ब्लू कलर से जो दिखाए गए हैं वो क्या है मेजर एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? देखो टोटल जो होते हैं ट्वेंटी सिक्स जो है एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जितने पीरियोडिक टेबल में है ना तो हमें तो क्या करना है हमें कोई केमिस्ट्री तो पढ़नी है नहीं हमें हमें क्या पढ़ना है अपनी बॉडी की केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें वही देखना है जो हम हमारे ह्यूमन बॉडी में या बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ठीक है सो बायोलॉजिकल सिस्टम में जनरली ट्वेंटी सिक्स एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो जो डार्क ब्लू कलर से दिखा रखा है वो मेजर एलिमेंट है और जो लाइट ब्लू कलर से दिखा रखे हैं जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं ठीक है ये ट्रेस एलिमेंट है यानी ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये यह दिखा रखा है ट्रेस एलिमेंट ठीक है तो आप इस फिगर से ये देख सकते हो कि कौन से हम एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जो है मेजरली प्रजेंट होते हैं और कौन से ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर हाईलाइटेड है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हमने ह्यूमन बॉडी में क्या कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का तो यहाँ पे एलिमेंट देर का है जैसे कार्बन हो गया ठीक है कार्बन कितना प्रेजेंट होता है सिक्स सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट जो है वो कार्बन की प्रेजेंट होती है वो होती है सिक्सटी वन पॉइंट सेवन परसेंट इसका ड्राईवेट है ठीक है और देन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन uh, फिर एलेवन परसेंट uh, जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है देन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन ये हो गया कैल्शियम ये हो गया पोटेशियम ये हो गया फॉस्फोरस ये हो गया पोटेशियम ये हो गया सल्फ़र ये हो गया क्लोरीन ये हो गया सोडियम और ये हो गया मैग्नीशियम ठीक है इस टाइप से प्रेजेंट होता है निमोनिक्स इसके लिए आप इससे याद कर सकते हो निमोनिक्स भी बनाया है चॉन्स पी के एम जी का एन ए सी एल ठीक है चॉन्स पी के एम जी का एन ए सी एल इस टाइप से आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो बाकी जो ये एलिमेंट जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ठीक है बहुत ही कम अमाउंट में ठीक है नेक्स्ट है इनमें से जो चौंस पे हैं यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस ये सिक्स एलिमेंट्स जो हैं वो नाइन्टी एट परसेंट जो है, है प्रेजेंट होते हैं बॉडी में ठीक तो है यानी नाइन्टी एट परसेंट तो टोटल यही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाकी के जो दो परसेंट एलिमेंट हैं वो आ, दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि ट्रेस एलिमेंट हो गए या फिर आ, एम जी एम जी का हो गया ठीक है एन ए सी एल हो गया ये बाकी के दो परसेंट प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो मेजरली हमारी बॉडी में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो चॉन्स पे होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस जो कि नाइन्टी एट परसेंट हमारी बॉडी का बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं सो so, इस स्लाइड में जनरली uh, बताया गया है कि इवोल्यूशन uh, कैसे हुआ है लाइफ का ठीक है तो जनरली हमारी जो जब लाइफ फर्स्ट टाइम आई थी हाँ अर्थ पे तो आ, कैसे आई थी तो आ, जो लाइफ ही हमारी स्टार्ट हुई है वो केमिकल इवोल्यूशन से हुई है ठीक है सबसे पहले केमिकल्स केमिकल रिएक्शंस हुई ठीक है फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म बने ठीक है उसके बाद धीरे धीरे क्या हुई लाइफ स्टार्ट हुई ठीक है कैसे हुई यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑक्युपाइड इन थ्री स्टेजेस तो थ्री स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ सबसे पहला है हमारा केमिकल इवोल्यूशन ठीक है केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ इन विच सिंपल जियोलॉजिकल अकरिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ठीक है तो उस टाइम पे जब हमारी लाइफ इवॉल्व हुई होगी ठीक है बिलियन्स ऑफ एयरसा को लाइफ इवॉल्व हुई है ठीक है तो सबसे पहले जो केमिकल्स होंगे एयर में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया सी हो गया ठीक है अमोनिया हो गया ठीक है वाटर वाटर भी प्रेजेंट था वाटर हो गया एच हो गया ठीक है तो इन सब ने क्या किया आपस में रिएक्शन करी उस टाइम पे क्या था अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और आ, उसकी वजह से क्या होते थे रिएक्शंस होती थी ठीक है और ये रिएक्शन किस में हुई सी में हुई समुद्र में हुई ये रिएक्शंस तो इन सब ने रिएक्शन करके क्या बनाए कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाए जैसे बनाए, और, आ, sugars बनाए, sugars, अमीनो एसिड्स बनाए ठीक है और शुगर्स बनाए शुगर्स ठीक है अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन वगैरह ये सब बने इनसे इन इन इनकी रिएक्शन से आपस में रिएक्ट करें तो कुछ अमीनो एसिड्स बने कुछ शुगर्स बने ठीक है कुछ न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड बने ठीक है तो इस टाइप से जो है वो पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने फिर बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिले होंगे देन उन्होंने क्या बनाया होगा एक प्रोटीन की चेन बनाई होगी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई होगी शुगर मिला होगा तो शुगर ने क्या बनाया होगा पॉली पॉलीसेकेराइड्स बने होंगे ठीक है देन इसी तरीके से क्या बने हमारे अर्थ में क्या बने मॉलिक्यूल्स बने धीरे धीरे जो है आ, जो हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स होते हैं ठीक है जो कि वाटर से रिपेल करते हैं ठीक है जैसे अमोनिया हो गया अमोनिया वाटर से रिपेल करता है ठीक है ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हुए होंगे जिन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया होगा एक मेमब्रेन जैसा बनाना शुरू कर दिया होगा ठीक है तो पहले तो केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल रिवॉल्यूशन है उसमें हमारा कितना क्या क्या बना अमीनो एसिड्स बने शुगर्स बने ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स बने ठीक है इस टाइप से हमारे मॉलिक्यूल्स बने फिर क्या हुआ द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज पॉलीमर्स टू फॉर्म रेप्लीकेटिंग एंटिटीज़ तो इनका फिर क्या हुआ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हुआ ठीक है जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया पॉली शुगर से पॉलीसेकेराइड्स बने अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिले तो पॉलीपेप्टाइड एक चेन बना गया प्रोटीन बना गया ठीक है फिर न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में मिले तो एक पूरा न्यूक्लिक एसिड की चेन बना दी ठीक है तो इस टाइप से क्या बनने लग गए मॉलिक्यूल्स बनने लग गए जो न्यूक्लिक एसिड बना होगा उस टाइम पे क्या बना होगा सबसे पहले आरएनए ठीक है आरएनए ही बना था आरएनए सबसे पहले इवॉल्व हुआ था तो वो न्यूक्लिक एसिड बना होगा उसने क्या किया सेल्फ रेप्लिकेट किया यानी अपने जैसा वो एलिमेंट बनाते गए ठीक है सेल्फ रेप्लीकेटिंग तो एट सम पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस द ट्रांजिशन फ्रॉम अ लाइफलेस कलेक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू अ लिविंग सिस्टम और इस पॉइंट में जो क्या हुआ कि जो लाइफलेस जो कलेक्शन था मॉलिक्यूल अभी तो इनमें कोई लाइफ नहीं थी लेकिन जैसे जैसे वो रेप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना उस टाइम पे क्या हो गया लाइफलेस से जो है वो लिविंग सिस्टम की तरह मूव करने लग गया ठीक है फिर देन क्या हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ टू अल्टीमेटली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ मॉडर्न लाइफ जो हम आजकल देखते हैं ठीक है तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पे फिगर में भी दे रखा है यहाँ पे देखो ये केमिकल रिएक्शंस uh, दिखा रखी है यहाँ पे ठीक है तो और केमिकल रिएक्शन से ये देखो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स बने न्यूक्लिक एसिड बने वो न्यूक्लिक एसिड धीरे धीरे क्या होने लग गई रेप्लिकेट करने लग गई अपनी अपने जैसे बनाने लग गई फिर वो किसी एक पाउच में पाउच के अंदर जाने लग गया और वहाँ पे अच्छे से रेप्लिकेट करने लग गया बाहर की दुनिया से एकदम अलग हो गया ठीक है तो इस टाइप से क्या हुआ फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म बना तो इस टाइप से आज आज हम देखते हैं आज तो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है खैर ठीक है तो इस टाइप से हमारा इवोल्यूशन हुआ तो हमारा जो केमिस्ट्री पढ़ने का ही जो नज़रिया है वो यही है कि हमारा जो लाइफ ही जो स्टार्ट हुई है वो केमिकल इवोल्यूशन से ही स्टार्ट हुई है ठीक है तो हम लिटिल बिट जो है बायो केमिस्ट्री में जो है मेनली केमिस्ट्री पढ़ेंगे लिटिल बिट ठीक है देन हम फिर अदर चीज़ों पर फोकस करेंगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड्स इन बायो तो जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं ठीक है बायोकेमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ेंगे जो भी हमें आगे चीज़ों को समझने में काम आएंगे वो सब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी ठीक है ऐसा नहीं है कि चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आप चीज़ों को समझोगे तो तभी क्वेश्चनस भी आप ईज़िली कर पाओगे हर चीज़ आप लोगों के लिए ईजी होगी ठीक है सो केमिकल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं ठीक है तो केमिकल बॉन्डिंग रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन टू और मोर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस टू गिव राइज अ केमिकल कंपाउंड ठीक है सो so, बॉन्ड्स क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं फॉर्मेशन होते हैं एक एक या एक से ज़्यादा एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में आयंस के बीच में ठीक है ताकि वो क्या बनाए एक पूरा कंपाउंड बनाए ठीक है दीज केमिकल बॉन्ड्स आर वट कैप्ड द एटम टुगेदर रिजल्टिंग इन अ कंपाउंड ठीक है सो ये केमिकल बॉन्ड्स आखिर बनते क्यों हैं ठीक है ठीके? क्या जरूरत है केमिकल बॉन्ड बनाने की एटम्स को एलिमेंट्स को क्यों ज़रूरत है ठीक है तो जैसे कार्बन है ठीक है हमारा कार्बन है इसके पास क्या है सिक्स इसकी सिक्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट ठीक है right? अब आप लोगों ने बाई केमिस्ट्री केमिस्ट्री अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं टू और फोर की फॉर्म में ठीक है सबसे पास वाला जो अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो सबसे पास ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया कार्बन का ठीक है तो सबसे पास वाले जो ऑक्टेट में होगा वहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर नेक्स्ट ऑक्टेट में इसके कितने होंगे फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोर ठीक है तो अब इसको क्या करना है ऑक्टेट पूरा करना है फर्स्ट ऑक्टेट में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकेंड ऑक्टेट में हमारा कितने होते हैं टू एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थर्ड ऑक्टेट में भी हमारे एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है फिर एटीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस टाइप से जाता है ना तो अब क्या है इसके बाहर वाले ऑक्टेट में कितने हैं सिर्फ फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है थीके? अब ये चाहता है कि किसी से बॉन्ड बनाना ये चाहता है कि कोई आके इसको इलेक्ट्रॉन दे ताकि ये भी क्या कर सके आ, अपना ऑक्टेट पूरा कर सके ऑक्टेट पूरा करना क्यों जरूरी होता है आ, अगर ऑक्टेट पूरा होगा तो क्या होगा ये लो एनर्जी स्टेट में होगा ठीक है अगर इसकी शेल पूरी होगी तो एनर्जी लो होगी एनर्जी लो होगी तो ये स्टेबल होगा ठीक है लो लो स्टेट लो एनर्जी का मतलब क्या होगा ये स्टेबल होगा ठीक है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं ठीक है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए हमेशा कम होनी चाहिए ठीक है तो इसीलिए क्या करते हैं ये बॉन्ड बनाते हैं ठीक है थीके? तो अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे ये कार्बन है ये चाहता है कि इसके आउटर ऑक्टेट में कितने हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स है जैसे आप देख सकते हो ये ब्लू वाला किसका है कार्बन का है ठीक है ये मिडिल में जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं वो कार्बन के हैं और लेकिन अगर ये अपने चार इलेक्ट्रॉन्स अगर ये तो ये किसी को दे दे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन या किसी से ले ले चार इलेक्ट्रॉन अब कोई दे कोई इतना महान तो है नहीं जो इसको चार इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ठीक है और अगर ये भी ये भी इतना ज़्यादा नहीं दे सकता चार इलेक्ट्रॉन ठीक है तो क्या होगी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो यहाँ पर क्या होगी शेयरिंग होगी कोई आएगा जैसे हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन होता है ओनली तो वो आएगा वो इसके साथ शेयर कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इससे क्या होगा कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा कार्बन को अपने आउटर ऑक्टेट में कितने चाहिए एट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाइड्रोजन को टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ठीक है तो इसकी हाइड्रोजन की भी जरूरत पूरी हो गई और कार्बन की भी जरूरत पूरी हो गई अब एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो फोर हाइड्रोजन जुड़ेंगे ऑलवेज ये कितना बनाएगा फोर बॉन्ड्स बनाएगा इसलिए हमारा कार्बन क्या करता है फोर बॉन्ड बनाता है ताकि ये फोर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सके और इसका भी खुद का भी ऑक्टेट पूरा हो सके और दूसरे का भी हो सके तो ये ये क्या होता है ये एक टाइप का क्या है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ठीक है एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है ठीक है जहाँ पे कि इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है तो जनरली बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि हर कोई चाहता है अपना आ, जो है शेल जो है वो पूरा करे ठीक है अपना ऑक्टेट पूरा करें और ऑक्टेट पूरा होगा तो एनर्जी लो एनर्जी स्टेट में होगा लो एनर्जी स्टेट में होगा तो हाईली स्टेबल होंगे ठीक है नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की तरफ ठीक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की ठीक है यहाँ पे दिया है कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है अ कोवलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स ठीक है ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग होती है वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स ठीक है तो यहाँ पे क्या होती है मैंने जैसे आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है जैसे यहाँ पे देखा है कोवेलेंट बॉन्ड के फिगर में देखा है यहाँ पे एटम वन है और यहाँ पे एटम टू है इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया इस एटम के पास दो दो चार दो छः एक सात इलेक्ट्रॉन्स थे और एटम बी के पास भी क्या थे सेवन इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के पास सेवन सेवन थे दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो इन दोनों ने क्या कर लिया इक्वल शेयरिंग कर ली ठीक है अब दोनों के पास कितने हो गए एट अगर इसको भी देखेंगे ऐसे देखेंगे बी एटम को तो इसके पास एट इलेक्ट्रॉन है अगर ए एटम को ऐसे देखेंगे तो इसके पास भी एट इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो दोनों ने शेयरिंग करके क्या कर लिया अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया इसे क्या बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बॉन्ड होता है ठीक है स्ट्रॉगेस्ट बॉन्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम या किसी भी सिस्टम में जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ठीक है अब देखो अगर एक पेयर अगर कोई एक पेयर शेयर कर रहा है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है तो सिंगल बॉन्डिंग होगी कोई दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड होगा कोई तीन इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ठीक है तो ट्रिपल बॉन्ड तक बनते हैं ठीक है यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्या होगा सिंगल शेयरिंग होगी बस वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ठीक है एक इलेक्ट्रॉन एक देगा एक इलेक्ट्रॉन एक देगा यहाँ पे देखा है ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ वन वन इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है सिंगल बॉन्ड बन रहा है डबल बॉन्ड कब बनेगा जैसे यहाँ पे सी ओ टू के केस में यहाँ पे अगर क्लियरली दिख नहीं रहा तो सी ओ टू के केस में क्या होगा डबल बॉन्ड इस टाइप से बनेंगे ठीक है ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ में और कार्बन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इस टाइप से डबल बॉन्ड होंगे ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा जिससे नाइट्रोजन के केस में बनता है यहाँ पे क्या होता है थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ठीक है क्योंकि <laughs> ठीक है तो नाइट्रोजन के केस में भी क्या होगा थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ठीक है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारा आयोनिक बॉन्ड ठीक है आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ठीक है उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं ठीक है थीके? होता क्या है जैसे अभी तक हम देख रहे थे अभी तक शेयरिंग चल रही थी कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या हो रही थी शेयरिंग हो रही थी लेकिन आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है की डोनेशन होता है ठीक है कोई किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो जिसके पास कमी होती है और जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो दे देता है ठीक है तो क्या होता है जैसे ये सोडियम और क्लोराइड का एग्जाम्पल यहाँ पर रखा है तो सोडियम के जो आउटर ऑक्टेट में होता है वो वन इलेक्ट्रॉन होता है जो इसकी बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वन वन इलेक्ट्रॉन होता है टोटल इलेवन इलेक्ट्रॉन होता है इलेवन एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का ठीक है क्लोराइड का क्या होता है सेवनटीन होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर और इसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो होता क्या है सोडियम बोलता है कि मेरे पास आई हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है कम कर रहा है ठीक है या तो इसको पूरा सात इलेक्ट्रॉन कोई दे दे ताकि इसका बाहर का आउटर ऑक्टेट जो है वो पूरा हो सके लेकिन इतना तो कोई देगा नहीं इसको इसे ही देना पड़ेगा क्योंकि इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है ये वन इलेक्ट्रॉन दे देगा दे दे तो इसका जो है ये जो है स्टेबिलिटी में आ जाएगा दूसरा क्लोराइड बोलता ही कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दे दे तो मेरा क्या हो जाएगा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसके आउटर ऑक्टेट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा ठीक है सो so, सोडियम क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट कर देगा क्लोराइड को तो जो डोनेट करता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है so, सो इससे क्या हो जाएगा सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और क्लोराइड का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आयनिक बॉन्ड आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं आखिर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स के केसेस में जब अमीनो एसिड्स हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स तो उसमें सारे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ही आ, आते हैं ठीक है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स ठीक है वाटर और हाइड्रोफोब्स के बीच में ये रिलेशन बताता है ठीक है लो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स ठीक है हा वाटर फोप्स का मतलब क्या हो गया जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ठीक है हाइड्रोफोप्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आर यूजुअली अ लॉन्ग चेन कार्बन दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल ठीक है तो हाइड्रोफोब्स क्या होते हैं फोबिक मॉलिक्यूल जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोफोबिक हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और फोबिक का मतलब हो गया फोबिया टाइप का मतलब हेट करना नफ़रत करना तो वाटर से नफरत करना ठीक है जो वाटर को पसंद नहीं करते उन्हें हम हाइड्रोफोबिक्स बोलते हैं ठीक है सो जनरली so, होता क्या है जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन की चेन हो गई ठीक है कार्बन की चेन कभी भी वाटर से इंट्रैक्ट नहीं करती है या अमोनिया की चेन हो गई ठीक है ऐसी कार्बन जैसे कार्बन की लंबी सी चेन है ठीक है तो इसे हम क्या बोलेंगे ये आ, क्या है नॉन पोलार चेन हो गई कार्बन की ठीक है ये क्या हो गई नॉन पोलाड चेन हो गई कार्बन की तो ये क्या करती है ये वाटर से इंट्रैक्ट नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ हाइड्रोफोबिक जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ठीक है मैमब्रेन बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी मैमब्रेन होती है तो मैमब्रेन कैसे बनती है ये जैसे ये मिसल्स का एग्जाम्पल है ठीक है मिसल्स मैमब्रेन में तो डबल डबल में होता है इस टाइप से कुछ बनती है मेम्ब्रेन ठीक है तो यहाँ पे जैसे मिसल्स हैं मिसल्स का फॉर्मेशन हो रखा है तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है ठीक ग्रु। ग्रु। है यानी ये कोई कार्बन की लंबी सी चेन होगी ठीक है और यहाँ पे जो गोल सा ये सर दिख रहा है ये क्या है, है, है ग्रुप फिलिक ग्रुप है ठीक है यानी ये जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है ये क्या करेगा वाटर से इंट्रैक्ट करेगा ठीक है और जो हाइड्रोफोबिक है वो आपस में इंट्रैक्ट करेंगे तो ये अगर हम इस टाइप से कुछ मॉलिक्यूल्स अगर हम वाटर में डाल दें ठीक है इस टाइप का मॉलिक्यूल अगर हमने वाटर में डाल दिया तो वो मिसल्स का फॉर्मेशन करेगा किसका फॉर्मेशन करेगा मिसल्स का मिसल्स में क्या होगा जितने भी हाइड्रोफोबिक जो भी हाइड्रोफोबिक चेन होगी वो आपस में इंट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और वाटर से दूर भागेगी ठीक है और जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा वो आउटर साइड को आ जाएगा और वो वाटर से इंट्रैक्ट करेगा तो ये इस टाइप से कुछ चेन जो बनाएगा ये ठीक है इस टाइप तो ये हाइड्रोफोबिक जो है ये इंट्रैक्शन हो गया ये अंदर से जो इंट्रैक्शन हो दिख रहा है आपको ये क्या है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आ, कुछ जो हाइड नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया नॉन पोलार कुछ नॉन पोलार आपने क्या कर दिया ये आ, यहाँ पे जो से इसे हम वाटर मान लेते हैं इसमें वाटर था ये बकेट में हमारे क्या है वाटर है ठीक है इसमें क्या कर दिया हमने कुछ नॉन पोलार चेन्स डाल दी पॉलीपेप्टाइड चेन डाल दी मैंने चार नॉन पोलारो पॉलीपेप्टाइड मैंने चेन डाल दी ठीक है यानी कि ये वाटर से इंट्रैक्ट करने वाली चेन नहीं है ठीक है तो ये क्या हो गई नॉन पोलार चेन हो गई नॉन पोलार कुछ मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन डाल दी अब क्या होगा थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि क्या होगा जो ये नॉन पोलार चेन है ये क्या बन बना देगी आपस में इंट्रैक्ट करके पूरा एक पॉलीपेप्टाइड बना देगी एक सिंगल ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगी क्यों क्योंकि ये क्या कर रही है इंट्रैक्ट करेंगी ये वाटर से रिपेल करेंगी और वाटर से रिपेल करने के लिए इन सबको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा और वो वो जो इंट्रैक्शन होगा वो होगा हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन तो लास्ट में ये एक पूरी पॉलीपेप्टाइड पौ, पौ, हमें चेन मिल जाएगी पॉलीपैप्टाइड चेन और वो इंट्रैक्शन जिस वजह से ये मिली है वो होगा हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ठीक है बहुत सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स अगर आप लोगों को पता होगा तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो जैसे मैं अगर हाइड्रोफोबिक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की चेन बोल रही हूँ तो इसका मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होगा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे ठीक है जो कि वाटर से दूर भागेंगे वाटर से दूर भागेंगे तो इनको आपस में क्या आना पड़ेगा पास में आना पड़ेगा तभी तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो इंट्रैक्शन कर पाएंगे और वाटर को अच्छे से रिपेल कर पाएंगे ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नॉट अ कोवेलेंट टू अ हाइड्रोजन एटम ठीक है जो हाइड्रोजन एटम के लिए <coughs> कोवेलेंट ना हो देखो होता क्या है ये एक बॉन्ड है ठीक है जनरली ये आ, इस टाइप से इसको शो शो किया जाता है डैश डैश के फॉर्म में ठीक है इट इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन आइटम कोवलेंटली बॉन्डेड विद द वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐटम सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन एटम एंड अदर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें जो है कुछ ही केसेस में मिलेंगे जैसे नाइट्रो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरिन होता है देन हमारा होता है ऑक्सीजन एंड देन हमारा होता है नाइट्रोजन जब भी ऐसे होंगे ठीक है इस टाइप के एटम्स होंगे और इनके पास कहीं हाइड्रोजन होगा ठीक है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन होगा तो वो वो इस इनके साथ क्या कर लेता है अट्रैक्शन फो अट्रैक्शन कर लेता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है जो हमने सिंपल से दिखा रखा है लेकिन ये जो डैश डैश वाला ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वाटर में भी क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है ये अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय फ्लोरीन होता तो भी ये बॉन्ड बनता अगर नाइट्रोजन होता तो भी बनता लेकिन इसके अलावा कोई और एलिमेंट होते है तब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में होता है ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स भी दिखा रखा है एल्कोहल में कैसे हो रही है जैसे यहाँ पे ये अल्कोहल एल्कोहलिक ग्रुप है ये दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप है ठीक है तो ये दोनों आपस आप में क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन स्लाइटली जो है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन खींच लेता है ठीक है तो उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन जो लेयर है उससे इलेक्ट्रॉन उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये यह डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव ऐसे इस टाइप से साइन हम से इसको शो करते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन इज़ एन इंट्रामोलिकुलर फोर्स दैट इज़ कॉज्ड बाय डाइपोल्स डाइपोल्स डाईपोल्स यानी इस टाइप का कोई होगा आइटम और इसमें क्या होते हैं दो पोल्स बने होते हैं एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ठीक है उसे हम बोलेंगे पोल तो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है जैसे यहाँ पे फैल पहले फिगर में दिखा रखा है आपको कि यहाँ पे इसका डेल्टा नेगेटिव है ठीक है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है इसका पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या करेगा आपस में अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो ये जो इंट्रैक्शन होगा ये क्या होगा पॉजिटिव इंट्रेक्शन होगा और ये आपस में क्या करेंगे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है यानी ये पास पास आएंगे दोनों नेक्स्ट हमारा जो है इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और इसका भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है दोनों का नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे ये इधर धक्का मारेगा ये इधर धक्का मारेगा ये दोनों पास पास में नहीं आएंगे तो ये होता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं जैसे एच का एग्जाम्पल देखो एच क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे क्लोराइड है क्लोराइड में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है तो क्लोराइड क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ठीक यह है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा वहीं अगर इसका पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर क्लोराइड कर देते और यहाँ पे हाइड्रोजन कर देते तब ये क्या करता है रिपेल करता क्योंकि अपोजिट चार्ज के होंगे हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे ठीक है सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज के बारे में वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज क्या होते हैं ये जनरली डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेज होता है एक टाइप का मतलब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन टाइप का ही है ये भी ठीक है सो so, लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे अगर डिस्टेंस बहुत दूर हो गई तो ये इंट्रैक्शन फिर काम नहीं करता है ठीक है फिर ये इंट्रैक्शन काम नहीं करता है लेकिन अगर पास पास में होगा तब ये इंट्रैक्शन काम करता है ठीक है काफ़ी वीक इंट्रैक्शन होता है ये ठीक है वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ये ठीक है नेम आफ्टर डच फिजिस्ट जॉन्स डाइडग व्डर वॉल्स उनके नाम पर यह पड़ा हुआ है बिगेस्ट इंटरा फोर्स है क्विकली वैनिड एट अ लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इंट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूल्स लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो फिर ये क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा ये फोर्स फिर काम नहीं करेगा ये सिर्फ क्या करेगा आपस आस पास के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा ठीक है डिस्टेंस डिपेंडेंट है नेक्स्ट यहाँ पर फिगर में भी देखा है देखो यहाँ पर यह न्यूक्लियस है ठीक है यहाँ पे ये यह नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये यह पॉजिटिव चार्ज है ये इस एन की डिस्टेंस पे है तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे वहीं अगर यहाँ पे हमने डिस्टेंस को बहुत दूर दूर कर दिया इनको तो फिर क्या करेगा ये फोर्स फिर वॉक नहीं करेगा इनके बीच में ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो हमने अभी तक पढ़े अब हम उनकी एनर्जी देखेंगे कि कितना किलो कैलोरी में एनर्जी प्रजेंट होती है ठीक है सो जनरली अराउंड केम कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है उनमें जो है एटी किलो कैलरी यहाँ पे किलो कैलोरी में देखा है तो एट्टी किलो कैलोरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी ठीक है इस इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के बीच में को, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस बॉन्ड एनर्जी ये तब टूटेगी जब हम इसको एटी किलो कैलोरी की एनर्जी देंगे ठीक है तब ये टूटेगी ठीक है नेक्स्ट है हमारा आयनिक और मेटालिक बॉन्ड ये जो है जस्ट हाफ होता है कोवलेंट बॉन्ड के ठीक है तो अगर आयनिक बॉन्ड है जैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है ठीक है तो इसको अगर हमने फोर्टी किलो कैलोरी एनर्जी दे दी तो फिर तब जाके ये आयनिक बॉन्ड ब्रेक होगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में भी स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है ट्वेंटी किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है ठीक है नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड ये वीकर होता है हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन से ये बात याद रखना ये वीकर होता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से और इसका जो एनर्जी होता है वो टेन किलो कैलोरी होती है अराउंड ठीक uh, है Approx, uh, Next, ये अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स है ठीक है अप्रोक्स राउंड ऑफ करके आई हैं यूनिट्स नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसका फ़ाइव किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी होता है अगर हमने फ़ाइव किलो कैलोरी दे दी तो ये बॉन्ड्स आपस में टूट जाएंगे ठीक है ये दूर दूर हो जाएंगे नेक्स्ट है वॉन्डर वॉल्स जो कि बहुत ही कम होता है बहुत ही वीकेस्ट इंट्रैक्शन होता है वॉन्डर वॉल्स का और वो है ज़ीरो पॉइंट फाइव किलो कैलोरी ओके नेक्स्ट है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में सो सी एस आई नेट टू थाउजेंड एटीन दिसंबर में ये क्वेश्चन आया गया आया था और ये क्वेश्चन क्या है मैच दी फॉलोइंग बॉन्ड्स विद यर अप्रोक्सीमेट एनर्जी तो हमें बॉन्ड्स को मैच करना है उनकी एनर्जी से ठीक है तो सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है तो ये वीकर होता है वॉन्डर वॉल से ठीक है ओ सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वॉन्डर वॉल से ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री किलो कैलोरी ठीक है नेक्स्ट है वॉन्ड्र वॉल इनमें से सबसे कम जो दिख रहा है वो वॉन्डर वॉल होगा इससे कम तो कोई हो नहीं सकता ठीक है नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलैंड बॉन्ड हमारा स्ट्रॉगेस्ट बॉन्ड होता है तो इसका जो एनर्जी होगा वो एट्टी किलो कैलोरी होगी ठीक है देन हमारा आता है आयनिक बॉन्ड जो होगा फोर्टी किलो कैलोरी जस्ट हाफ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा किसके साथ मिल रहा है तो आंसर फोर के साथ में तो ए में भी फोर आ रहा है और फोर वाले क्वेश्चन में भी फोर आ रहा है फोर वाले ऑप्शन में नेक्स्ट है वॉन्डर वॉल फोर्स वंडर वर्ल्ड फोर्स में बी का हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पे थर्ड आ रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा तो बी का फर्स्ट हो गया सी का थर्ड हो गया एंड डी का सेकंड हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर फोर ठीक है सो आंसर फोर हमारा आंसर हो गया सो so, आगे में आ, मैंने आपको अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है उसमें कौन उसमें, उसमें उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में ठीक है और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका था तो मैं इतना ही इस वीडियो में इस इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगी सो आ, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला